हेलो स्टूडेंट्स, आपकी आज की वर्कशीट नंबर 19 आपकी इंग्लिश की पोएम ट्रीज़ पर बेस्ड है। इस पोएम को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस पोएम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे आज की इस वर्कशीट में पूछे गए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ए पार्ट, उसमें बोला गया है रीड द पोएम एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स। आपको क्या करना है, इस पोएम को पढ़ना है और इसमें से जो बॉक्स में ऑप्शंस दे रखे हैं करेक्ट, वो आपको फिल करने हैं। फर्स्ट है डैश मेक नेस्ट इन द ट्रीज़। ट्रीज़ में नेस्ट कौन बनाता है? ट्रीज़ में नेस्ट मींस घोंसले बनाते हैं बर्ड्स। तो पहले में क्या आ जाएगा हमारा, बर्ड्स मेक नेस्ट इन द ट्रीज़। ऐसे ही हमारा जो सेकेंड है डैश प्ले नियर ट्रीज़, ट्रीज़ के पास कौन खेलते हैं? आंसर आ जाएगा चिल्ड्रन। वी प्ले डैश बिहाइंड ट्री, वी प्ले डैश बिहाइंड ट्रीज़, हम पेड़ के पीछे क्या खेलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का मीनिंग होता है छुपन छुपाई खेलना, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा हाइड एंड सीक हम खेलते हैं। नेक्स्ट इज पीपल समटाइम्स हैव डैश पार्टीज अंडर ट्रीज़, लोग कभी कभार ट्रीज़ के नीचे कौन सी पार्टीज़ करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो फोर्थ है उसका आंसर हो जाएगा टी पार्टीज़। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला, ट्रीज़ गिव अस डैश ड्यूरिंग समर, गर्मियों में जो ट्रीज़ होते हैं वो हमें क्या देते हैं? तो यहाँ पे गर्मियों में जो ट्रीज़ होते हैं वो हमें क्या देते हैं? तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, पेयर्स लिख सकते हैं, हमें पेयर्स देते हैं, फ्रूट्स होता है पेयर एक तरह का, वो हमें गर्मियों में ट्रीज़ देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ वाले का पेयर्स। नाउ सिक्स्थ इज मैनी फ्रूट्स लाइक डैश एंड डैश ग्रो इन ट्रीज़, कुछ फ्रूट्स के नाम लिखते हैं जो ट्रीज़ पर उगते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, एप्पल्स एंड पेयर्स, एप्पल्स एंड पेयर हो जाएगा हमारा सिक्स पार्ट का आंसर। नाउ सेवन्थ पार्ट, वी कट ट्रीज टू गेट, हम ट्रीज को काट के हमें क्या मिलता है? टिम्बर, हमें लकड़ी मिलती है। तो यहाँ पे सेवन्थ में क्या आ जाएगा हमारा आंसर, टिम्बर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ ऑन वैल्यू ऑफ ट्रीज, आपको वैल्यू ऑफ ट्रीज पे एक पैराग्राफ लिखना है चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं बॉक्स में, उनमें से करेक्ट वर्ड को चूज करते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है। आपको ट्रीज आर वेरी डैश फॉर अस, ट्रीज हमारे लिए क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, इंपॉर्टेंट। सेकेंड है हमारा ट्रीज आर वेरी सॉरी दे गिव अस डैश, ट्रीज हमें क्या देते हैं? डैश असेंशियल फॉर लिविंग, जो हमें क्या देते हैं, जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन। सेकेंड पार्ट में आ जाएगा ऑक्सीजन। दे गिव अस डैश एंड डैश, वो हमें क्या देते हैं? दे गिव अस फ्रूट्स आ जाएगा, मेडिसिन आ जाएगा। दे थर्ड में फ्रूट, फोर्थ में मेडिसिन। दे हेल्प इन रिड्यूसिंग, क्या काम करते हैं ट्रीज? पॉल्यूशन कम करते हैं। फिफ्थ में क्या आ जाएगा हमारा, पॉल्यूशन, दे हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। दिस सर्व एज अ डैश फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स के जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं? दे सर्व एज अ होम, बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स का वो क्या होता है? होम होते हैं, घर होते हैं। वी शुड प्लांट डैश ट्रीज फॉर बेटर इन्वायरमेंट, अच्छे इन्वायरमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें और ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, मोर मीन्स और ज़्यादा। और नेक्स्ट हमारा जो है पार्ट सी है, इसमें एंटोनिम्स लिखने हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, उल्टे अर्थ वाले शब्द। आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और उनके आपको एंटोनिम्स भी इस बॉक्स में दे रखे हैं और आपको यहाँ से चूज करके इनको लिखना है। आपका जो फर्स्ट है वो है समर, समर का अपोजिट क्या होता है? विंटर, फर्स्ट में आएगा विंटर। सेकेंड है डाउन, डाउन का अपोजिट क्या होता है? डाउन का अपोजिट होता है अप। थर्ड इज शेड, शेड का मतलब होता है छाया, उसका अपोजिट होता है सनलाइट, सनी। फोर्थ है हमारा कूल, कूल का अपोजिट क्या होता है? हॉट। फोर्थ का आंसर आ जाएगा हॉट। फिफ्थ इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर, मजबूत, उसका अपोजिट क्या होता है? वीक। फिफ्थ का आंसर है वीक। सिक्स्थ है हमारा टॉल, टॉल मीन्स लंबा, उसका अपोजिट क्या होता है? शॉर्ट। सिक्स में आ जाएगा शॉर्ट। सेवन्थ है हमारा इन, इन मीन्स अंदर, इनका अपोजिट क्या होगा? इनका अपोजिट होगा आउट। तो सेवन्थ वाले में हमारा आ जाएगा आउट, सेवन्थ वाला है जो हमारा उसका आंसर हो जाएगा आउट। उसके बाद है हमारा एट्थ गुड, गुड का अपोजिट क्या होगा? गुड का अपोजिट होगा बैड। तो हमारा जो एट्थ है उसका आंसर हो जाएगा बैड। इस तरह से आप सारे अपोजिट वर्ड्स को इसमें फिल कर देंगे और आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाती है।